बिहार के साथ लड़ने वाली पार्टियों के रास्ते पश्चिम बंगाल पहुंचते पहुंचते जुदा हो गए हैं। जो पार्टियां बिहार में साथ थी बंगाल में अलग हो गई हैं। बंगाल चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की ओर से आरजेडी को कुछ सीटों का ऑफर भी दिया जा रहा था। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस लेफ्ट मोर्चे से गठबंधन करने की बजाय ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ जाना ज्यादा मुफीद समझा। ऐसे में सवाल उठता है कि बंगाल में आरजेडी के बिहार के अपने सहयोगियों को छोड़कर टीएमसी को बिना शर्त समर्थन देने के पीछे आखिर क्या वजह है। बिहार चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन करके एनडीए से दो दो हाथ करने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनका साथ छोड़कर अपनी अलग सियासी राह चुनी है। बंगाल चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की ओर से आरजेडी को कुछ सीटों का ऑफर भी दिया जा रहा था। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस लेफ्ट मोर्चा से गठबंधन करने की बजाय ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ जाना मुफीद समझा। ऐसे में सवाल उठता है कि बंगाल में आरजेडी अपने सहयोगियों को छोड़कर टीएमसी को बिना शर्त समर्थन देने के पीछे आखिर वजह क्या है। बिहार में तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी को नंबर वन की पार्टी बनाने के बाद देश के दूसरे राज्यों में पार्टी विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। असम में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तेजस्वी के सामने एक ही विकल्प था, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ रहना बेहतर समझा। वहीं पश्चिम बंगाल में तेजस्वी के सामने दो विकल्प थे, पहला कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और दूसरा टीएमसी। इन्हीं दोनों में से एक को चुनना था, जिसमें उन्होंने टीएमसी के साथ जाने का फैसला किया। तेजस्वी यादव ने बंगाल कांग्रेस लेफ्ट में दिलचस्पी नहीं ली और दो दिन कोलकाता में बैठकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात का इंतजार करते रहे। आखिरकार तेजस्वी की ममता बनर्जी से मुलाकात हुई, लेकिन दोनों शीर्ष नेताओं में तालमेल या सीटों के लेन देन पर बातें सामने नहीं आ सकी। तेजस्वी ने बिना शर्त टीएमसी के साथ चुनाव में जाने की घोषणा कर दी, जिसके चलते बिहार के बाहर आरजेडी के साथ कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन की लालसा धरी की धरी रह गई। देखिए, बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में हमारा लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, और जो लोकसभा का चुनाव हम लड़ते हैं वो कांग्रेस के साथ ही हमेशा लड़े हैं। अब अगर बात की जाए बंगाल की, तो यहाँ का जो सिचुएशन जो है और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि बंगाल में जो हैं हम उनके साथ जाएं। अगर यही तरीका है तो आप एग्जांपल आप देख सकते हैं कि केरल में भी UDF, LDF यानी कांग्रेस और लेफ्ट जो है आमने सामने, लेकिन बंगाल में साथ हैं। और हम लोग सब लोग ही लाइट माइंडेड पार्टी हैं। बेहतर होता कि अगर सब लोग जो हैं मिलके चुनाव लड़ते तो हमारे लिए आसान होता, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन हैं तो हम तो ये देखेंगे कि बीजेपी को कौन रोक सकता है, कौन हरा सकता है। के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने टीएमसी को समर्थन किया। ममता ने भी तेजस्वी से मुलाकात के बाद आरजेडी नेता की तारीफ की है। देखिए, मैं तेजस्वी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि तेजस्वी एक जुआ नेता है और बिहार में बहुत बढ़िया काम किया है। और सी उनको तो जितना था वो लोग जीत रहा था भी, लेकिन चलाकी करके, झूठा करके, बहुत सारे फसाद करके ये लोगों को जीतने नहीं दिया। लेकिन मेरे को विश्वास है आज और कल तेजस्वी का गवर्नमेंट बिहार में बनेगी। हमारा पूरा आशीर्वाद उसका साथ है। सबसे बड़ा बात यही है हिम्मत का साथ कि हम लड़ रहे तो तेजस्वी भाई लड़ रहे, अगर तेजस्वी लड़ रहे तो हम लड़ रहे। हालांकि कांग्रेस लेफ्ट ने गठबंधन में आरजेडी को सीटें देने की गुंजाइश बना रखी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि वाम दलों के साथ अब तक हुई चर्चा में 92 सीटें कांग्रेस के लिए फाइनल हो गई हैं। हमने लेफ्ट से 130 सीटों की डिमांड रखी थी, जिसमें हम आरजेडी और एनसीपी को कुछ सीटें देने की गुंजाइश रखी थी। एक तरह से जाहिर होता है कि कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन के सपने संजोए रखे थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके। तेजस्वी ममता की मुलाकात के बाद आरजेडी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ बिहार से बंगाल तक जंग जारी रहने का दावा किया। तेजस्वी यादव के साथ बंगाल चुनाव के मोर्चे पर लगे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने दावा किया, उनकी प्राथमिकता में सीटें नहीं हैं, हम पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने भगाने के लिए एक हुए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि बंगाल में सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ें।
इसके लिए बाकायदा उन्होंने बयान भी दिया था। तेजस्वी ने कहा था कि बेहतर ये होगा कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ गठबंधन करके लड़े, जिससे बीजेपी को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ हमारे अच्छे संबंध है, बंगाल की जनता की भी इच्छा होगी कि अच्छा हो अगर तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें। माना जा रहा है कि तीनों के एक साथ न आने की वजह से तेजस्वी ने कांग्रेस लेफ्ट के बजाय मजबूत मानी जा रही टीएमसी के साथ खड़ा होना बेहतर समझा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।